हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि पेट्रोल की एक्चुअल कीमत कितनी होती है और उस पर गवर्नमेंट कितना टैक्स चार्ज करती है? और मेरा मानना है कि इंडिया में सभी को पता होना चाहिए कि पेट्रोल का ब्रेकअप कैसे होता है। तो आइए जानते हैं हम इस फैक्ट के बारे में, और वीडियो को पूरा देखना, बीच में आपको एक बहुत ही अनोखी बात पता चलेगी। अगर पेट्रोल 100 रुपये का है तो हम 100 रुपये क्यों पे कर रहे हैं, और 42.5 रुपये के पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये क्यों हो जाता है? कुछ लोग इस बारे में जानते हैं, लेकिन इस बारे में अवेयरनेस सब में होनी चाहिए। पेट्रोल का रेट डेली बेसिस पर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हम उसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जो कि है 100 रुपये प्रति लीटर। मान लीजिए जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो आप 100 रुपये लीटर देख रहे हैं, लेकिन वह पेट्रोल 42.5 रुपये का ही होता है अगर हम बेस प्राइस की बात करें तो। मैं आपको बता दूँ कि इसके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन मैं एक एस्टिमेट प्राइस ले रहा हूँ। एवरेज बेसिस पे मान लीजिए कि बेस प्राइस होता है 42.5, इसको हम सिंपली बेसिक प्राइस भी कहते हैं, और इसमें ऐड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, जो कि होता है ₹33 के आसपास। फिर उसके बाद ऐड होता है स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, जो कि होता है लगभग ₹21। उसके बाद ऐड होता है पेट्रोल पंप के ऑनर का कमीशन, लगभग ₹3.50 के आसपास। और अलग अलग पेट्रोल पंप पर अलग अलग हो सकते हैं इसके चार्जेस, लेकिन एवरेज कमीशन ₹3.50 ही होता है। इसका मतलब है कि पेट्रोल पंप का मालिक हर लीटर पर 3 से 3.5 रुपये कमाता है। अगर हम इन सब को ऐड करें तो हो जाता है 100 रुपये पर लीटर। तो इसमें आप नोटिस कर सकते हैं कि मेजोरिटी पार्ट तो सिर्फ टैक्स का ही है, जिससे पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है। पेट्रोल के इंक्रीज प्राइस, इंक्रीज टैक्सेस से गवर्नमेंट रेवेन्यू लॉसेस का मेकअप कर रही है। तो लोगों में ये कन्फ्यूज़न थी कि पेट्रोल का प्राइस इंडिया में आने से बढ़ गया या फिर टैक्स के बढ़ जाने से। तो साफ साफ पता चल रहा है कि टैक्स इंक्रीज होता है, ना कि पेट्रोल का बेस प्राइस। तो यह था पेट्रोल का एक इंटरेस्टिंग सा ब्रेकअप। चलिए आइए मैं आपको पेट्रोल के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि पेट्रोल फ्यूचर में कितने साल तक चलने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि पेट्रोल प्राकृतिक संसाधन है और अधिक इस्तेमाल से यह खत्म हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि बीपी के एनुअल रिपोर्ट के अनुसार से 53 साल और चलेगा पेट्रोल। उसके बाद ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे, जो कि अभी से ही स्टार्ट हो चुके हैं। तो यह थी पेट्रोल के बारे में कुछ अनोखी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन बजाना ना भूलें।